मैं यह एक पार्टी वेयर कुर्ती बनाने जा रही हूँ। यह मेरे पास सिल्क के फैब्रिक है। यह 3.5 मीटर कपड़ा है प्रिंट वाला और इसकी जो चौड़ाई है वह 44 इंच है। 3.5 मीटर फैब्रिक है और 44 इसका विड्थ है। और यह डिज़ाइन के लिए मैंने 1 मीटर कपड़ा है, 44 इंच इसकी चौड़ाई है, पन्ना है। अब मैं इसमें इसकी चोली बनाऊंगी और इसके नीचे मैं इसका घेरा बनाऊंगी। इसमें जो प्रिंट है वो आड़ी प्रिंट में है तो मुझे इसको आड़े में बनाना होगी। तो पहले तो मैं अपनी चोली की कटिंग करूंगी। और यह मेरे पास अस्तर का कपड़ा है। अस्तर का कपड़ा मेरे पास 80 पॉइंट है और इस कपड़े की चौड़ाई भी 42 इंच है, 42 इंच इस कपड़े की चौड़ाई है। तो पहले मैं इसमें से अपनी चोली बनाऊंगी। इसमें हम फ्रंट से ओपन चोली बनाएंगे तो मैं इस पर चोली की मार्किंग करूंगी। तो ये हमारा कपड़ा जुड़ी हुई साइड है, इसमें मैं अपनी चोली का बैक पोर्शन बनाऊंगी। हमारी चोली की लंबाई 15 इंच है और उसमें हम 1 इंच सिलाई का एक्स्ट्रा लेकर 16 इंच यानी 16 इंच ले लेंगे। उसके बाद हम यहाँ से तख्ती का आधा, तख्ती हमारी 13 इंच है तो उसका हाफ 6.5 इंच आ जाएगा, तो हम यहाँ से 6.5 इंच ले लेंगे। अब हम यहाँ से हमारा आर्म होल, मेरा स्टैंडर्ड साइज 7.5 इंच है, मैं वह ले लूँगी। अब हम यहाँ से लेंगे सीने का चौथा प्लस 2 इंच। सीने का नाप हमारे पास 40 इंच है, उसका चौथा हिस्सा करेंगे और उसमें प्लस 2 इंच करेंगे। तो आप 40 पर इंच टेप ऐसे रखिए, 40 या आपका जो भी सीने का नाप आता है, इंच टेप को आप इस तरह से डबल करिए, फिर 4 फोल्ड करिए, तो बड़ा ईजीली आपका चौथा हिस्सा निकल आता है। तो मेरा चौथा हिस्सा आ रहा है 10 इंच, तो उसमें प्लस 2 करूँगी तो 12 इंच हो जाएगा। 40 हमारा चेस्ट है, उसका 1 फोल्ड करेंगे तो 10, उसमें प्लस 2 करेंगे तो 12 इंच हो जाएगा। मैं सिलाई और मार्जिन दोनों का साथ में ले लेती हूँ, इसलिए मैं इस तरह से प्लस 2 कर लेती हूँ। अब हम यहाँ पर लेंगे कमर गुलाई का चौथा प्लस 2 इंच। कमर गुलाई हमारी 36 इंच है तो हम उसका चौथा हिस्सा करेंगे तो 9, और उसमें प्लस 2 करेंगे तो 11 इंच हो जाएगा। 36 का चौथा भी आप इंची टेप को फोल्ड कर निकाल सकते हैं। और अब हम इसे यह हल्की सी गोलाई से इसको यहाँ से मिलाएंगे। यहाँ से हम 1 इंच बाहर की तरफ लेते हैं क्योंकि मैं तख्ती का नाप लेकर उसका निशान लगाती हूँ। तख्ती की नाप के लिए आप मेरा मेजरमेंट वाला वीडियो देख सकते हैं। इसको मैं यहाँ स्लांट तिरछा ऐसे मिलाऊंगी और यहाँ से हम 1.5 इंच लेंगे और फिर हम 1 इंच लेंगे। यहाँ से भी हम 1 इंच लेंगे और इसको यहाँ पर ऐसे, पहले इस 1 इंच से ये अंदर वाली लाइन पर होते हुए ये अंदर वाली लाइन पर इस फ्रेंच कर्व को रखेंगे। आपको फ्रेंच कर्व को भी थोड़ा एडजस्ट करना होता है, थोड़ा सा इधर उधर खिसकाना होता है। अब हम ये वाले मार्क से यहाँ पर मिलाएंगे और ये बाहर वाली लाइन पर मिलाएंगे। तो पहले आप इसे हाफ करके मिला दीजिए और फिर आप इसको एडजस्ट करिए, नीचे थोड़ा खिसकाइए और यहाँ से ऐसे मिला दीजिए। अब हम यहाँ पर से नेक की चौड़ाई 2.5 इंच का एक मार्क करेंगे और पीछे का नेक में डीप 3.5 इंच लूंगी तो मैं वह मार्क लगा दूंगी। अब हम इस वाले पार्ट की कटिंग कर लेंगे। अब हम इसको इस तरफ टर्न कर लेंगे और यहाँ से हम सिलाई जितना थोड़ा सा एक्स्ट्रा रख लेंगे और इसी के बराबर मार्क लगाकर इसकी कटिंग कर लेंगे। अंदर वाले मार्क के लिए आप इसको इस तरफ टर्न करिए, ऐसे पकड़िए और इस पर ट्रेस कर लीजिए। यहाँ से हमें बराबर रखना होगा, ये देखिए इस पर आ गया है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से हमारी चोली की कटिंग होती है। अब हम इसे इस पर फैलाकर इसकी बराबरी इसकी कटिंग कर लेंगे और मेथड हमारा सेम ही होगा। ये हम जुड़ी हुई साइड अपनी तरफ रखी है मैंने और इसको हम बराबर कर लेंगे। यहाँ पर इसको ऐसे रखेंगे और इसके बराबर इसको रखकर इसकी कटिंग कर लेंगे। बचे हुए कपड़े से हम स्लीव्स में डिज़ाइन देंगे और यह हमें 1.5 मीटर कपड़े में भी हमारे लिए सफिशेंट होगा। हम इसमें से इसके नीचे वाले घेरे की कटिंग करेंगे। तो इस तरफ से जुड़ी हुई साइड से मैं अपने स्लीव्स का कपड़ा निकालूंगी और इस कपड़े को उल्टा फोल्ड कर लूँगी। अब ये हमारे कपड़े की खुली हुई साइड है और ये हम कपड़े की जुड़ी हुई साइड है। यहाँ पर हम 8 इंच तक एक मार्क लगा देंगे। तो यहाँ से आप इंची टेप को 8 इंच लीजिए
और दोनों तरफ आप 8 इंच के मार्क लगा लीजिए। अब हमने जो 8 इंच का मार्क लगाया यहाँ तक कि हम इस कपड़े को फोल्ड करेंगे। अब इस जगह पर हम अपनी कमर का चौथा प्लस 2 वाला पोर्शन ले लेंगे। कमर को लाई हमारी 36 थी, उसका चौथा हिस्सा 9 आया था और उसमें हमने प्लस 2 किया था तो 11 इंच हो गया था, तो हम यहाँ से 11 इंच ले लें और इसको अब हम अपनी चोली की लंबाई हमारी 15 इंच है तो हम यहाँ 15 इंच पे छोड़कर अपनी कुर्ती की लंबाई ले लेंगे। तो हमारी कुर्ती की लंबाई 50 इंच है और उसमें हम नीचे से नॉर्मल फोल्ड करने का 1.5 इंच लगेंगे तो 51 इंच 51.5 इंच हम ले लेंगे। हम यहाँ से अब इसको ऐसे छोड़कर इस पार्ट को नाप लेंगे तो हमारा ये आ रहा है 36.5 इंच। 36.5 इंच का हम इस तरफ यहीं से मार्क लगा लेंगे। ये हमारा थोड़ा सा कॉर्नर जो गिरेंगे नहीं गोलाई में कटेंगे, इसके लिए हम इसको इस तरह से ले लेंगे 36.5 36.5 पे हम मार्क लगा लेंगे। अब हम इस जगह से ये जो हमने मार्क लगाया था इसको यहाँ तिरछा ऐसे मिला लेंगे। तो हमने सीयूज का कपड़ा इसलिए साथ में रहने दिया था कि अब हमारा जो बचेगा वो एक साथ बच जाएगा तो हमें कहीं और भी जरूरत हुई तो वो कपड़ा हमारा टुकड़े टुकड़े में नहीं बचेगा, एक साथ इस्तेमाल होगा। अब हम इसको यहाँ से निशान लगाकर ये कटिंग कर देंगे। अब हम इस वाले पार्ट को हटाएंगे तो इस तरह से हमारा ये घेरा कट जाएगा और ऐसे ही हम इसके अस्तर की कटिंग कर लेंगे। अब हम इस कपड़े में से अपनी स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो यह जो पहले हम ये कपड़ा है इसमें से हम अपनी चोली पर डिजाइन करेंगे तो वह कपड़े को सीधा ऐसे निकाल लेंगे। अब आप इस कपड़े को इस तरह से करें कि आपका कपड़ा बचे तो आप किसी और ड्रेस में इसका डिजाइन दे पाए। हम इसको पूरी तरह से तो नहीं बचा पाएंगे लेकिन जितना ज़्यादा बचा सके ताकि हम एक दूसरे ड्रेस में इसका प्रिंट का डिज़ाइन देकर हम अपने ड्रेस को तैयार कर सकते हैं। तो कपड़ा बचाएं तो हमेशा इस तरह से बचाएं कि वह आपका एक साथ बचे। अब हमने अपनी स्लीव्स की चौड़ाई लेंगे। स्लीव्स की चौड़ाई लेने का मेरा स्टैंडर्ड तरीका है सीने का चौथा हिस्सा, तो सीने का नाप हमारा 40 है, उसका चौथा हिस्सा 10 इंच है तो हम यहाँ से 10 इंच लेंगे। यहाँ से डीप कटिंग का मेरा स्टैंडर्ड साइज 3.5 है तो मैं वह रखूंगी। यहाँ से हम 1 इंच लेंगे और स्लीव्स की कटिंग के लिए आप मेरे वीडियो देख सकते हैं ड्राफ्टिंग कटिंग स्लीव्स विथ कर्व स्केल और हाउ टू कट कुर्ता स्लीव्स, उसमें मैंने स्लीव्स को कैसे कटिंग की जाती है डिटेल से बताया है और उनके लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देख सकते हैं। यह जो डीप कटिंग का डिस्टेंस है यह हमें 1 इंच की होती है। इसके बाद हम अपनी स्लीव्स की लंबाई यहाँ से 11 इंच रखेंगे क्योंकि मैं इसमें फ्रिल लगाकर इसको 16 या 17 इंच करूँगी तो मैं इसको यहाँ से 11 इंच ले लूँगी और यहाँ से हम लेंगे स्लीव्स गोलाई का 1.5 प्लस 1.5, स्लीव्स गोलाई का आधा प्लस 1.5 इंच, तो स्लीव्स गोलाई हमारी है 11 इंच तो उसका आधा आएगा 5.5 और उसमें प्लस 1.5 इंच करेंगे तो 7 इंच हो जाएगा। और यहाँ से हम 2 इंच सीधा ले लेंगे और इसको फिर सीधा ही रखेंगे और यहाँ से हम इसको ऐसे स्लांट मिला लेंगे। अभी भी हम इतना कपड़ा और बचा सकते हैं तो आप इसको चाहें तो इस तरफ खिसका कर अपनी स्लीव्स की कटिंग कर सकते हैं। आप यहाँ से 10 इंच लीजिए और फिर आप अपनी यहाँ से हमारी स्लीव्स की 7.5 होना चाहिए। तो यह है, अब हम इस तरह से इसमें से कटिंग कर लेंगे। एक स्लीव्स हम इस तरफ से कटिंग करेंगे फिर दूसरी भी हम इस तरफ से कर लेंगे तो हमारा कपड़ा एक साथ ऐसे बच जाएगा। और इसमें हम अलग अलग कर कर स्लीव्स की कटिंग कर रहे हैं, इसकी वजह यह है कि यह प्रिंट हमारा आड़ा खड़ा है तो हमें उस चीज का ख्याल जरूर रखना होगा। यह हमारी एक स्लीव्स बनी और इस तरह से हम अपनी दूसरी स्लीव्स बना लेंगे। ये देखिए बड़ी आसानी से ये हमारी स्लीव्स निकल आएगी।
हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो जब भी आप अलग अलग सीरीज कटिंग करें तो ये ध्यान रखिए ये सीधा सीधा अंदर होना चाहिए आपका, एक सीधा एक उल्टा नहीं होना चाहिए, एक ही तरफ की दोनों सीरीज कट जाएगी आपकी, तो इसलिए इस चीज़ का भी आपको ख्याल रखना होगा। और इसमें हम डबल फ्रिल्ड स्लीव्स करेंगे, तो एक फ्रिल हम इस कपड़े में से कट करेंगे, यहाँ से हम स्लीव्स के नीचे वाले पार्ट की गोलाई ले लेंगे, तो हम थोड़ा एक इंच करीब ये छोड़ देंगे क्योंकि अम्ब्रेला होकर ये थोड़ा सा फैल जाता है कपड़ा, तो स्ट्रेच हो जाता है, खिंच जाता है, तो वो फैल जाता है, इसलिए हम इसमें से यहाँ से हम इसमें चौड़ाई कम रखेंगे, 7 रखेंगे तो उसका हाफ 3.5 इंच लेंगे हम, तो वहाँ खुलकर 7 इंच हो जाएगा। और फिर हम 6 इंच लंबी फ्रिल कटिंग कर लेंगे, तो यहाँ से हम ये 6 इंच ले लेंगे और अब हम इसको ऐसे सर्कल बना लेंगे, तो यह सर्कल हमारा 9 इंच का आ रहा है, तो हम इस तरह से 9 इंच का सर्कल ले लेंगे। अब मैं ऐसा ही एक सर्कल 7 इंच का काट लूंगी और वो मैं ये चेक्स वाले कपड़े का कटिंग करूंगी, जैसे ये मैंने 9 इंच का कट किया है तो मैं इसमें डबल फ्रिल कर लूंगी, मेथड हमारा बिल्कुल सेम होगा। और यहाँ से भी हमने जो 7.5 इंच लिया है इसको हम ऐसे सर्कल बना लेंगे। और इसकी भी कटिंग कर लेंगे, तो इस तरह से हम यहाँ पर ये बेल्ट को लगा देंगे। तो इस तरह से हमारी पूरी कुर्ती की कटिंग होती है। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। अब हमने ये चोली के साथ अस्तर को जॉइंट कर लिया है और यह बीच में से भी हमने इसको जॉइंट लगा लिया है और हमने इसको इस तरह से दोनों तरफ जॉइंट को डिवाइड कर लिया है। ये जॉइंट आप ना भी लगाएं तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। और उसके बाद हम इसमें ये बॉर्डर को इस तरह से लगाएंगे, जो ये हमने अपने नीचे जो घेरा है उसी के कपड़े की बॉर्डर है उसको मैंने इस तरह से निकाला है। अब यहाँ से मैं इसको थोड़ा ऊपर रखते हुए और यहाँ पर इस तरह से फोल्ड करते हुए इसकी सिलाई लगाऊंगी। यहाँ से हमने ऊपर इसलिए रखा है ताकि यहाँ से जब ये हमारे नेक पे कटिंग होगा तो दोनों तरफ हमारा ये इक्वल आए, तो इसलिए हमने इस तरह से इसको लगाएंगे। नॉर्मल सी सिलाई लगानी है हमें। अब इस तरफ से हम इसको फोल्ड कर कर लगाएंगे सिलाई, तो आप इस तरफ से स्टार्ट कर सकते हैं सिलाई लगाना। और अब हम इसको टर्न करके ये जो हमारा नेक है इसके बराबर इसकी कटिंग कर लेंगे। आप चाहें तो नेक अपने तरीके से भी बना सकते हैं, मुझे यही तरीका कन्वीनियंट लगता है तो मैं इसी तरीके से बनाती हूँ। अब इसी मेथड से हम ये वाली बॉर्डर भी इधर लगा लेंगे और फिर हम इसके नेक को तैयार कर लेंगे। गला बनाने के लिए आप मेरा वीडियो देख सकते हैं हाउ टू मेक कुर्ता नेक, उसी मेथड से मैं इसका बिल्कुल गला बनाऊंगी। अब हम ये स्लीव्स को तैयार करेंगे, तो मैंने यहाँ से स्लीव्स की गोलाई 6 इंच लेकर यहाँ से इसको स्लांट ऐसे मिला लिया है, तिरछी सिलाई लगा ली है इस तरह से। अब हम इसमें ये जो फ्रिल्स है इनको भी मैंने आपस नीचे पीको कर लिया है और यहाँ से अलग अलग इनको सिलाई लगा ली, पहले पीको किया फिर यहाँ से सिलाई लगाई, दोनों को अलग अलग और फिर इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर रख कर इस तरह से जॉइंट कर लिया है। अब हम इसे स्लीव में लगाएंगे। इस तरह से लगाने पर हमारे फ्रिल का लुक बहुत अच्छा आता है। अब हम इसको ऐसा रखेंगे और ये वाला जो पार्ट है हमारा इसको हम सिलाई में ऐसे नहीं लेंगे, इसको हम बिल्कुल यहाँ पर ऐसे छोड़ देंगे और इस वाले पार्ट को हम उल्टा रखेंगे और ये जो जॉइंट वाला पार्ट है यहाँ से हम इसके अंदर डालकर आपस में जॉइंट से जॉइंट वाले पार्ट को हम सिलना स्टार्ट करेंगे। और इस चीज़ को हमें ज़रूर ख्याल रखना है कि हमें इसको ऐसे रखना है, ऐसे नहीं। इसको हम गोल कर कर लगाना भी बोलते हैं स्लीव। इस तरह से हम स्लीव्स को जॉइन कर लें, तो यह सब तरफ से देखिए बिल्कुल अलग लग रहेगी, तो ये फ्रिल का लुक बहुत अच्छा आएगा।
अब मैं आपको चोली में फिटिंग के निशान लगाना बताती हूँ कि आपको किस तरह से आप फिटिंग के निशान लगा सकते हैं। फिर आप चोली को अलग से जोड़ लीजिए और फिर हम स्लीव्स को अलग से जॉइंट कर लेंगे। यहाँ से हम लेंगे हमारा सीने का चौथा हिस्सा 10 इंच है और उसमें आधा इंच प्लस करेंगे तो 10.5 इंच हम यहाँ से लेंगे और यहाँ से हमारी कमर गुलाई का चौथा हिस्सा 9 इंच है और उसमें हम 0.25 इंच लेंगे। ये हमारा 9 इंच आ रहा है हम इसमें तो 0.25 इंच हम यहाँ से लेंगे। कमर के यहाँ पे हम थोड़ा ज़्यादा लूज रखते हैं और इसको हम इसी तरह से ऐसे मिला लेंगे। इसी तरह से आप नाप कर दूसरे वाले पार्ट में भी निशान लगा सकते हैं और बैक वाले पोर्शन में भी नाप लगा सकते हैं, निशान लगा सकते हैं। नहीं तो आप इसको इस तरह से खोलिए और इस पर ऐसे रखकर ट्रेस भी कर सकते हैं अपनी फिटिंग के मार्क लगाने के लिए। यह हल्का मार्क इस पर आया है तो आप इसको फिर डार्क कर लीजिए और इस पर आप सिलाई लगाइए। अब हमने ये कुर्ती को फिटिंग दे ली है, फिटिंग की सिलाई जो हमने मार्क किए थे उस पर हमने सिलाइयाँ लगा ली है दोनों तरफ से। अब हम इसकी स्लीव्स को जॉइंट करेंगे। अब हम स्लीव्स को पहले चेक करेंगे कि हमारी ये इस तरह से जाएगी तो ये डीप कटिंग हमारी फ्रंट वाले के साथ आना चाहिए तो हम इस तरह से देखकर चेक करेंगे और फिर हम उसको ऐसे भी चेक कर लेंगे यहाँ से आप पकड़कर कि ये हमारी स्लीव्स बड़ी तो नहीं है। अगर हमारी स्लीव्स थोड़ी सी बड़ी है तो हम इसको यहाँ से और फिटिंग देंगे साइड से। गोल स्लीव्स जब भी ज्वाइन करें तो उसका हमारा तरीका यही होगा तो जितनी भी बड़ी हो रही है उसको आप यहाँ से ऐसे लीजिए सिलाई में और इसको फिटिंग दे लीजिए। दोनों स्लीव्स को आप इसी तरह से फिटिंग दे लीजिए। इसमें हमें कुर्ती को तो उल्टा रखना होता है या जिस पर भी हम स्लीव्स जोड़ रहे हैं उसको उल्टा रखना होता है, स्लीव्स को हमें सीधा रखना होता है जिससे कि हमारी यह वाली स्लीव्स उस तरफ जॉइंट होगी। इस तरह से देखिए ये डीप कटिंग आपके ऐसे होना चाहिए। अब आप यहाँ से इसको अंदर डालिए, यहाँ से आप इसको इस तरह से रखिए और जो स्लीव्स का जॉइंट है उसको भी हमें इसी तरह से रखना है अपोजिट कर। ये हमारा यहाँ से ऐसे सिलाई में पकड़ में नहीं आना चाहिए और अब हम इसको यहाँ पर रखकर सब तरफ से ऐसे सिलाई लगा देंगे। ये देखिए हमने स्लीव्स को जोड़ते हुए इस कपड़े को भी यहाँ से नीचे छोड़ा है और यहाँ से भी इसको छोड़ा है, इससे ये कपड़े हमारे यहाँ से फ्री होंगे और एक दूसरे से खिंचाएंगे नहीं। तो इसी तरह से हम दूसरी स्लीव्स को भी ज्वाइन कर लेंगे और उसी तरह से हम नीचे से घेरे को भी इसके साथ ज्वाइन कर लेंगे। अब हमने ये घेरे को भी यहाँ साइड से सिलाई लगा ली है, दोनों साइड्स पर हमने लगा ली है। अब हम इसमें इसको ज्वाइन करेंगे चोली को तो हम इसको इसके अंदर डाल देंगे और ये जो साइड वाले जॉइंट्स है इसके साथ हम ये वाला जॉइंट जो हमारी घेरे का जॉइंट है इसको मिलाएंगे और यहाँ से इनको दोनों को हमें जिससे कि हमने स्लीव्स में किया था हटाना है और सिलाई लगाना है, लेकिन सिलाई हमारी यहाँ पर किनारे पर होगी और पूरे को हमें इसी तरह से सिल देना है। चोली हमारी सीधी रहेगी और घेरा हमारा उल्टा रहेगा और हम यहाँ पर पूरी गोलाई से इस पर सिलाई लगा लेंगे। सिंपल सी सिलाई लगानी है हमें और उसके बाद हम इसे नीचे से फोल्ड कर लेंगे। इस तरह से हमारी यह ट्रेंडी कुर्ती बनकर कंप्लीट है। चोली वाला जो पार्ट है वो एक तरह से जैकेट का लुक दे रहा है, यह एक बहुत प्यारी सी डिजाइनर ड्रेस बनकर कंप्लीट हो गई है। अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट्स में लिखें और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें आने वाली नई वीडियोज़ के लिए। थैंक यू।